इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं ग्रीस में, वहाँ पे हाईएस्ट सिविल, सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया गया है। इवन इस्लामिक कंट्रीज, यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, वो उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। क्या वजह है उनके, लोग क्या उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं आपके ख्याल से? देखें जी, वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है, उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। आज अमेरिका भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की ख्वाहिश मंद रहा है। इंडिया की यही तो खास बात है, वो अमेरिका के साथ भी अच्छा है, वो रशिया के साथ भी अच्छा है। सबसे सस्ती वो भी तकरीबन 31 लाख के ऊपर की कास्ट कर रही है, और वहाँ पे आइडिया है इंडिया में क्या, वहाँ से तकरीबन 26-27 लाख की फॉर्च्यूनर मिल रही है। मैं तो इस वक्त, आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया तो अभी बहुत दूर की बात है, अब हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मुकाबला नहीं, हम बहुत पीछे हैं। हमारी बात आप युगांडा से करें, जो आप श्रीलंका से करें, हमारा मुकाबला इंडिया के साथ बनता ही नहीं है। कश्मीर के पीछे ही छोड़ा था ना, कश्मीर का मसला है ना असल इंडिया साथ, और क्या मसला। ठीक है, तो आपको पता है वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है अगर कश्मीर की बात करें इंडिया साइड में और हमारी साइड में? कश्मीर उनके साथ खुश रहेगा यार। इंडिया का जो पासपोर्ट है ना, उसकी वैल्यू हमारे पासपोर्ट से बहुत ज्यादा है, उसके पासपोर्ट पे इतनी एंट्री फ्री है कि वो उनकी मीशत जो है वो बहुत खुशहाल है। ठीक है, वो टिकट लेते हैं जिधर मर्जी, मतलब वो चले जाते हैं। उसकी रीजन क्या है, मतलब आप ये है कि उनकी मीशत ठीक है, उनके हुक्मरान ठीक है। इंडिया देखे, हमारे साथ आजाद हुआ है, वो आज चांद पे बैठा हुआ है, चांद पे चला। पर की बात करें, ये साथ इंडिया है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो जहाँ पे जाते हैं उन्हें हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है। अभी ग्रीस में गए हैं, हाईएस्ट अवार्ड में से एक अवार्ड उन्हें दिया गया है। क्या समझते हैं कि वो इसी वजह से शायद दुनिया में उनका नाम बन रहा है? जी वजह ही वो अपनी आवाम का सोचते हैं, हमारे सियासतदान कोई भी है वो आवाम का सोच नहीं, वो अपना सोचते हैं। इस टाइम तो आवाम का सोच नहीं, आवाम का सोचते हो तो ये हाल तो ना हमारा हो, ठीक हो गया। जिस तरह हमारा कारोबार है, जो हम मईशत तबाह, हर चीज तबाह हो गई है यार, लोग यहाँ से बाहर को जाने के, हर आदमी भाई देखे किसी और कंट्री में, हर आदमी जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो भी बाहर जाना जी भाई, इधर तो खत्म हो गया। ठीक हो गया, आपसे सर बात करते हैं, मुझे बताएं, सवाल यही है कि इस टाइम हम खुद अपने मिनिस्टर्स के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इत्मीनान नहीं कर रहे, और नेबर कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी वो ग्रीस के विजिट पे गए हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड में से एक अवार्ड दिया गया है, और इवन इस्लामिक कंट्रीज उन्हें अवार्ड दे रही है, 7 के करीब इस्लामिक कंट्रीज जिन्होंने अवार्ड दिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, फर्क कितना नजर आ रहा है आप? बहुत ज्यादा फर्क है। देखिये, हमारी प्रायोरिटी जो है ना वो आवाम के लिए नहीं है, हमारी जो पॉलिसी है ना वो आवाम के लिए नहीं है। इंडिया देखे, हमारे साथ आजाद हुआ है, वो आज चांद पे बैठा हुआ है, चांद पे चला गया, हम आज तक बिजली के बिलों में और बिजली में फंसे हुए हैं। एक सियासतदान आ रहा है, वो अपना मुफाद करता है पूरा, वो साइड पे लंदन चले जाते हैं, दूसरा आता है वो अपना पूरा करता है, वो लंदन चला जाता है। जो गवर्नमेंट खत्म हुई है वो यहाँ से अपना जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, क्या पाकिस्तान में मौजूद है जो अभी गवर्नमेंट में थे अभी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले? जी नहीं, कोई नहीं। तो ये बड़ी हैरत वाली बात नहीं है? क्या समझते हैं इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज जाता है, इंडिया का क्या इमेज जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर का क्या इमेज जाता है? देखें जी, वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है, उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। हम इधर पाकिस्तान, वो इधर पाकिस्तानी बाहर जाते हैं कि जॉब करने के लिए, पैसा पाकिस्तान में भेजेंगे, हमारे सियासतदान पाकिस्तान आते हैं पैसा कमा के बाहर लेके जाएंगे। आप कह रहे हैं मुकाबला बनता नहीं तो हमें तो जो 75-76 साल से हर चीज में मुकाबला बताया जाता रहा कि हम टांग ऊंची, ये टांग ऊंची, हमें तो ये हमारी बस टांग ही ऊंची रही है, बाकी हम किसी काम में ऊंचे नहीं रहे। ये आगे चंगे है, ये तो बहुत ज़ालिम आए यार। अंकल जी, आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि इन्होंने बोला है हमारा मुकाबला नहीं बनता नेबर के साथ, क्योंकि वो अपनी कौम के लिए सिंसियर हैं उनके लीडर, और हमारे लीडर जो उनसे अपनी जेब के लिए सिंसियर हैं? जी ये बाकी एग्री हम इस चीज़ पे कि बाकी हमारे सियासतदान जितने भी हैं कोई एक भी वो आवाम के लिए नहीं है, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं सब, अब अपने लिए आवाम के लिए। आज अब पाकिस्तान की मौजूदा जो हालात हैं उसके मुताबिक जो करंट एक बंदे की सैलरी है उसको आप एक महीना एक सियासतदान को बोल के दिखा दे कि ये एक दिन भी निकाल दे, ऐसा ही है। ये अपने मुल्क के लिए कोई नहीं, सगे नहीं है, 1% भी सगे नहीं है ये अपने मुल्क। भाई ये हमारे में से जाते हैं ना, मैं और आप ही वोट देते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कोई कनाडा से आके प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई अपना अमेरिका से आके प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये पाकिस्तान के सिटीजन है। मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ ये हमारे में से नहीं, अगर हमारे वोट से सिलेक्ट हो ये हमारे में से हो, ये हमारे वोट से सिलेक्ट, इलेक्शन नहीं होते, ये सिलेक्शन होती है। ठीक हो गया, इलेक्शन नहीं होते, असल में आप देखें, बात सुने, बात सुने, असल में अपने से नीचे देखना चाहिए। अब कितनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं आपको पता है, मजदूर तबके को जाके आप देखें आपके होश उड़ जाएंगे, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल खुदकुशी की खबरें आ रही हैं, इतने ज्यादा टेंशन पड़ गई है ना,
मेरे दोस्त बता रहे हैं वो अपना जेवर बेच रहा है, किसी ने मोबाइल बेचा है, ऐसे बिल करा रही हैं। तो लानत ऐसे, मैं कहता हूँ कि इन हुक्मरानों ये कर रहे हैं जो भी वापटा वाले ये वाले, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इसके ऊपर वापटा का तो कसूर नहीं है, वो तो एक अदारा है, कंट्रोल किया जाए ना तो फिर है ना, उनको कंट्रोल नहीं ना कर। सिर्फ एक बात करूंगा, कायदे आजम की एम्बुलेंस खराब होने से लेके आज तक मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं हुआ, सारा कुछ ही खराब हुआ। एम्बुलेंस जब खराब हुई उसके बाद हर चीज ही खराब हो गई। अब फिर पैसा चल रहा है, जहाँ पे पैसा है वहाँ पे। आज वो कहाँ पे कहाँ चले गए, अगर हम नेबर की बात करें उनको इवन इस्लामिक कंट्रीज अवार्ड दे रहे हैं। बड़ी बात ये है, मतलब हमें जो यहाँ पे बताया जाता है जी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो तो मुसलमानों के अगेंस्ट, ये वो, उन्हें तो 7 इस्लामिक कंट्रीज ने अवार्ड दिया है। इसी वजह से शायद इंटरनेशनल लेवल से बिजनेस उनके कंट्री में जा रहा है, हमारे यहाँ पे कोई बिजनेस करना चाह रहा है। मैं तो इस वक्त आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया तो अभी बहुत दूर की बात है। अब हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मुकाबला नहीं, हम बहुत पीछे हैं। हमारी बात आप युगांडा से करें, जो आप श्रीलंका से करें, हमारा मुकाबला इंडिया के साथ बनता ही नहीं है। निकल के जाके किड्डा सेट हो गया, देखो इतने बेड़े गरक दा गरक ही काट छड़े हैं। पॉलिसी उन्होंने कौन सी ऐसी बनाई, मैं बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। देखें बात थोड़ी कड़वी की है कि भाई युगांडा से जाके मुकाबला कर ले, इवन श्रीलंका की भी जो इस टाइम कंडीशन है दोबारा बेहतरी की तरफ जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल श्रीलंका ने देखे एक दफा उनको सेटबैक हुआ है, लेकिन वो अपनी ट्रैक पे आ रहे हैं। हमारा हर 5 साल में तमाशा ही होता है, इलेक्शन नहीं होते, तमाशा होता है। अच्छा, श्रीलंका की अगर कंडीशन बेहतर हो रही है, बांग्लादेश अगर बेहतरी की तरफ गया, तो उसकी एक मेन रीज़न जो मैं देखने वाले हैं वो भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, उनकी एक रीज़न ये है कि वो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर रखते हैं। हमारे किस नेबर के साथ, चाइना को छोड़ दें, उसके अलावा कोई एक नेबर बताएं कि भाई ये नेबर है इसके साथ रिलेशन। हमारे साथ हमें तो यही बताया गया कि इंडिया का और इंडिया के साथ हमारी शुरू से ही दुश्मनी है। ठीक है, और हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, अपने बच्चे भूल ही गए हैं। अच्छा, चले इंडिया को छोड़ दें, ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है, अफगानिस्तान के साथ इस्लामिक कंट्री है, अच्छे रिलेशन है हमारे। बिल्कुल भी नहीं है हमारे कोई भी। हम अपनी दुकान जो हमारी शॉप होती है, आप भी बिजनेस करते हैं, उसके साथ वाली शॉप के साथ अगर रिलेशन खराब हो तो बिजनेस अच्छा कर सकते हैं? कभी भी नहीं होता। तो हमारे कंट्री अगर तमाम कंट्रीज के साथ खराब रिलेशन रख के बैठेगा तो रिलेशन हमारा जो कंडीशन है बेहतर होगी? कभी भी नहीं हो सकती सही, किसी सूरत में नहीं सही हो सकती। ठीक है, क्योंकि असल में हम अपने से नीचे देखते ही नहीं है, हम बस ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते। ये जो तबका है ना, दिहाड़ीदार तबका, उनसे पूछ के देखें वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि हम अमरीका के गुलाम हैं। अच्छा, ईरान वार में हमने अमरीका का साथ दिया है, हवाई अड्डे दिए हैं, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के लिए दिए हैं, ईरान वार के लिए दिए हैं, इतने मिलियंस ऑफ पीपल्स मरे हैं, थाउजेंड्स ऑफ मरे हैं। तो वो नुकसान वक्ती तौर पे, ये देखें ये बड़ी गहरी बात की जा रही है, वक्ती तौर पे तो डॉलर हमारी जेब में आए, लेकिन आज दुश्मनियां हमने पाली, नफरतें हमारी बढ़ गई। अब एक बंदा जो इस बात को खत्म कर रहा था उसको 804 कमरे में डाल दिया गया। ठीक, अच्छा मुझे ये बताया, आपने बोला हमने अमेरिका से डॉलर लिए, आज अमेरिका भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की ख्वाहिशमंद रहा। इंडिया की यही तो खास बात है, वो अमेरिका के साथ भी अच्छा है, वो रशिया के साथ भी अच्छा है, ऐसे ही है। वो न्यूट्रल आप करते क्या? मैं इधर दुकान है मेरी, तो स्टडी भी करते होंगे, भी करते हैं जी। वो न्यूट्रल रहता है, वो रशिया साथ भी चल रहा है, ठीक है, अमेरिका साथ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमें ये बात क्यों नहीं समझ आती? देखें मैं अभी ये भाई को बता रहा था, 7 इस्लामिक कंट्रीज और तो बहुत से कंट्रीज हैं जिन्होंने उन्हें नेशनल हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन 7 इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने अवार्ड दिया है, हमें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? आज भी हम दुश्मनी वो नॉन मुस्लिम, हम मुस्लिम, छोटी सोच है ना। अच्छा, बढ़ती नहीं है इस तरह से, अवाम को लॉलीपॉप दिया हुआ है, अवाम उस पर लगी हुई है। ठीक हो गया। नहीं, अब आपको नहीं लगता सोशल मीडिया से काफी हद तक अवेयरनेस आ रही है, जैसे आप में आई, ये भाई की बात सुन के मैं बहुत इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ कि भाई पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अगर सोशल मीडिया ना होता ना, अभी मैं अपने बाप के कहने पे शेर को वोट डाल रहा होता। ठीक है, अभी आप कह रहे होते कि हिंदू जो है वो ये है, हम तो घुस के मारे हैं। हाँ, हमारी फौज सबसे ऊपर है, मैं ये भी कह रहा होता, मैंने मुतालिया पढ़ी है। ठीक हो गया, मुतालिया सच वाली पढ़ी है या जो हमें पढ़ाई रही है? जो हमने पढ़ाया, हमें पढ़ाई रही है, हमने पढ़ी है। अच्छा, क्या कहेंगे, बेहतरी कैसे आ सकती है? ये जैसे सोच रखते हैं, आप सोच रखते हैं, हम सोच रखते हैं, ये आम पब्लिक को कैसे पता चलेगा? बड़ी तादाद में मीडिया का क्या रोल है? हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं सच बताते, मतलब क्यों नहीं बताते कि भाई हमारी यहाँ यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, और उन मिस्टेक्स को पूरा करते हैं, जो गलतियाँ उन्हें मानते हैं और आगे बेहतरी की तरफ जाते हैं? सबसे पहले भाई जन यूनियन चाहिए, यूनिटी चाहिए, यूनिटी चाहिए। जब तक यूनिटी नहीं होगी
कुछ नहीं होगा, ऐसे ही है, ठीक हो गया। एक बिल पास करवाने के लिए हज़ार चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऐसे ही है। एक आइन तो हम आज तक बदल नहीं सके, 1965 का शायद चल रहा है, वही आज तक चल रहा है, ठीक हो गया। तो क्या समझते हैं आप, अगर वो लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं नेबर पे, और इन्होंने बोला कि भाई इंडिया से मुकाबला ना करो, उससे इंडिया बहुत ऊपर चला गया है, वो कहता है युगिंडा, वो कह रहे हैं युगिंडा से बात चांद पे पहुंच गया है, और अब वो सन पे भी जा रहे हैं, उसने पहुंच भी जाना है, ठीक हो गया। तो अच्छी बात है, चले अगर वो मेहनत कर रहे हैं जाए, हम क्यों नहीं जा रहे, रोना ये है, हमें खुशी है वो जा रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं जा रहे, हम पता क्यों नहीं जा रहे, हम सिर्फ लंदन तक जाते हैं, किधर तक, लंदन तक, वो भी हम नहीं जाते, वो हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो देखे ना उसकी वजारतें उसमें खत्म हुई है, उसके 2-3 दिन बाद वो लंदन में चला गया, ठीक हो गया। और देखे जब तक हमारे ऊपर वो सियासतदान नहीं आएगा जिसको अपने अवाम का अपने मुल्क का एहसास होगा, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और ये भी बात मैं तमाम पॉलिटिशियंस को कह दूं, जब तक आप पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ऐसा क्योंकि पाकिस्तान के साथ ही रिस्पेक्ट है ना, क्या कहेंगे। आज आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ऐलान करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है, किस सियासतदान के साथ और किसके साथ नहीं, ठीक हो गया। ये अवाम को भी नजर आ रहा है, अवाम अंधी नहीं है, अवाम को सारा पता है, अवाम इस वक्त अवाम शऊर रखती है, ठीक है, लेकिन ये अवाम अभी इनको और ज्यादा शऊर की जरूरत है, और वो शऊर शायद मजबूरन आ रहा है, जब बिजली के लिए बिल के लिए पैसे नहीं है तो शऊर आ रहा है, जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो शऊर आ रहा है। मुझे ये बताएं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट इंडिया जा रही है बड़ी तादाद में, आपको पता होगा, ठीक है, बिजनेसमैन है, पाकिस्तान में ना आने की वजह यही तो नहीं कि हमारे पॉलिटिशियन पे वो ट्रस्ट नहीं करते दूसरे कंट्रीज, यही तो सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, पैसा लाते हैं चोरी हो जाता है, आवाम गपला मार रहे हैं, क्या करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, कदर ही नहीं रहनी पैसे की, फायदा इन्वेस्टमेंट करने का, अपने नेबर के साथ नहीं, इतनी बड़ी कंपनी कब से है पाकिस्तान, ऐसे ही है। परसों जो मैं खबर पा रहा था चलेगी, अच्छा शेल की खबर आ रही है, वो जा रहे हैं, इवन सुजुकी की हमने चल जाना है, सिर्फ हमने इधर आ जाना है, तो फिर हम मेड इन पाकिस्तान यूज करेंगे, मेड इन पाकिस्तान कुछ रहना ही नहीं, ठीक। अब इंडस्ट्री को आधा कर दिया, एक्सपोर्ट कैसे करनी है, डॉलर और ऊपर चल जाना, इंपोर्ट और ज्यादा हो, अभी डॉलर 317-320 के राउंड अबाउट है, ओपन मार्केट ऐसे ही है, दिखा क्या रहे हैं 310 रहे हैं, फिर भी कोई बड़ा फर्क तो नहीं है। अच्छा, हम रिलेशन अगर बेहतर कर लेते हैं तो कोई बेहतरी आ सकती है नेबर्स के साथ, टाइम लगेगा, टाइम अभी नहीं आ सकता, अभी नहीं बेहतरी नहीं आ सकती, ठीक है, बिल्कुल जी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि आज हम रिलेशन बेहतर करें कल बेहतरी आ जाए, सबसे पहले अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, टाइम दें जिसको भी देना, ठीक है, 5 साल किसी को तो बूढ़े करने दें, ऐसे ही है, ये तो है, किसी को तो कहीं ये अपनी मर्जी से लिया है, ठीक है, सबको उतारने की करते हैं, ठीक हो गया। आपका नाम क्या करते हैं भाई? सेलमैन ही करते हैं। कैसे हालात चल रहे हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है भाई? हालात देखने हैं। ये बिजली का बिल है, ये बिजली का बिल है, ठीक है, 24,000 आमदनी है और 20,000 रुपया बिल, 24,000 आमदनी है, 20,000 बिल आ गया, पीछे 4,000 बचा, उसमें राशन हमें बताएं कि राशन चेक करें, बच्चे को दवाई दारू लेके आए, बच्चों को स्कूल भेजे, निजाम कैसे चलाएं, ठीक है, हमें बता दे हुकूमत का, भाई ये कर लो, अपने आपको कत्ल कर लें, अच्छा क्या करें, ये मुझे ये बताएं, अपने जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, हमारे जो लीडर है, क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। क्या वजह है, दुनिया के दूसरे कंट्रीज की बात करें, उनके पूरी दुनिया ट्रस्ट कर रही है, ये नेबर के कंट्री की अगर बात करें, इसकी वजह ये है कि हमारे हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे ना, हमारा ठीक हो गया, हमारा साथ नहीं दे रहे, अगर हमारा साथ दे, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें, हमारे दुख को समझे, दर्द को समझे, समझेगा तो फिर हम उनको वोट देंगे ना, उनको लेके आए, ठीक हो गया, अगर हमारा दुख समझ रहे हैं, हर महीने हर 15 दिन बाद बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्या करें, क्या करें, आप देखे मेरा 20,000 बिल है, 4,000 रुपये मेरे पास बच रहा है, मैं घर का निजाम चलाऊँ, क्या करूँ, मुझे समझाएं, ठीक भाई आप ये करो, ठीक हो गया। और उसके अलावा अच्छा ऐसी कंडीशन बना दी गई है, स्कूल का तो हम सोच ही नहीं ना रहे, एजुकेशन स्कूल की तो एक बात ही अलग हो गई है, आप तो वो कह रहे हैं बच्चों को घर बैठा लें, स्कूल ना भेजें, ठीक है, तो ऐसे तो फ्यूचर हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर बर्बाद हो गया ना, अब क्या फ्यूचर देख रहा, ठीक है, अभी फ्यूचर बनाना बाकी है। अगर हम अपने रिलेशन नेबर के साथ बेहतर कर लेते हैं, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, सबके साथ अच्छे रिलेशन, रिलेशन हमारे हो नहीं सकते, क्यों नहीं बेहतर हो सकते, आप देखे कह रहे हैं वो बेहतर, क्या बेहतर, ऐसे ही है, आप बताए ना, करने की कोशिश की थी, ठीक हो गया, ऐसे ही है, बिल्कुल रशिया के साथ अभी भी ऑयल आया, लेकिन ऑयल सस्ता नहीं हुआ, वो गायब हो गया, अच्छा वो पता नहीं किधर गया, आपको पता है कितनी बड़ी तादाद में हम ईरान से ऑयल ले सकते हैं, आपको पता है कितनी बड़ी तादाद में सब्जियां इंडिया से ले सकते हैं, कितनी बड़ी तादाद में कोयला हम अफगानिस्तान से ले सकते हैं, लेकिन हम अपने पता नहीं कोई, हमारा गैरत की बात है ना, गैरत है, गैरत है या नहीं है, अभी है,
अगर ना होती तो हम खड़े होते। ठीक हो गया, नहीं मैं इस बात से एग्री नहीं करता, यानी गैरत गैरत आगे आ जाए थोड़ा सा। कश्मीर के पीछे ही छोड़ा था ना। हाँ हाँ, कश्मीर का मसला है ना असल, इंडिया साथ और क्या मसला। ठीक है, तो आपको पता है वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है अगर कश्मीर की बात करें इंडिया साइड में और हमारी साइड में? कश्मीर उनके साथ खुश रहेगा यार। अच्छा, क्योंकि जाहरी बात है जो रेट चल रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों की हालत देख ले। और ये गुजरांवाला पाकिस्तान का एक बड़ा बिजनेस हब है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे ये कंडीशन है। तो बैकवर्ड एरिया में उधर सिंध में चले जाएं, वहाँ बलोचिस्तान में चले जाएं, क्या हालत हो? बहुत बुरे हालात है इधर, इतने बुरे हालात हैं हम साइड की सोच नहीं सकते। ठीक है, आपने बोला कश्मीर उनके साथ खुश रहेगा, ये बात जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है उन्हें नहीं समझ आ रही कि भाई वो अगर हमें लॉलीपॉप देने पे लगे हुए हैं और हम लेने में लगे हुए हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, जी जी जी, आपको क्या बात करनी है? बात ऐसे है, जनरल ज़िया की हुकूमत भी थी, ठीक है, वो भी जनरल था पाकिस्तान का, ठीक है, 11 साल 7 महीने पता नहीं कितने दिनों ने हुकूमत की। अच्छा, अखवा का केस एक बार ही होता और कत्ल दा और महंगाई दोबारा नहीं हुई। अच्छा, एकदम रोड रोडा रोड निकल जाने जुलूस। अच्छा अच्छा, एकदम हालात ठीक थे, ठीक हो जाते। इस वक्त जनरल है वो भी चोर है, वाम चोर से पहले वाम जाए हम लोग, हमारी गलती है। ठीक हो गया, यानी इस हद तक वाम आ चुकी है कि ये कह रहे हैं पब्लिक, वाम की जैसे अल्लाह का हुक्म और हुजूर पाक का फरमान था, कुरान का बयान है, हमारा तमारा नहीं है, जैसे वाम ऐसे हुक्मरान। ये बात पहले वाम हालत है फिर हुक्मरान हालत है। ठीक है, ना नवाज शरीफ की गलती है ना इमरान खान की गलती है, ये हमारी गलती है। मैं ये बात से एग्री करता हूं, देखे जिसको लेके आता है वही हमारा दुश्मन बन जाता है। ठीक है, पाकिस्तान का बेड़ा हरक कर दिया इस लोगों ने, सबसे पहले चोर है फिर बिजली का महकमा चोर है, बेकार बिजली के महकमे की मैं गलती नहीं समझता, बिजली का महकमा वो तो डबल डबल बिल पैक है, वो चलता है पॉलिटिशियन के कहने। अल्लाह के हुक्म से तुम सब माफी मांगो वाला से, अपनी नमाज पढ़ो और अपने ग्रामों की माफी मांगो, और प्रैक्टिकली भी कोई मेहनत करने की जरूरत है, ये नहीं है कि प्रैक्टिकली मेहनत करने की जरूरत है, गुजरांवाला को डेवलपमेंट की जरूरत है, गुजरांवाला में हालात इस पे संती शहर है। ठीक है, यानी हम अक्सर ये कह देते हैं दुआ मांगो सब ठीक हो जाएगा, दुआ मांगो लाशिला भी करना पड़ेगा, ये हां कोई मेहनत भी तो करो, करने पड़ेगा कि हमारे लिए क्या मेहनत कर, ऐसे ही है। अब देखे वो ग्राम को छोड़ गए, वो हमारे लिए आए दिन पंप फोड़ रही है, ऐसे ही है, आए दिन पेट्रोल महंगा, 500 रुपए बिजली कितने पैसे महंगी हुई है। ठीक है, अब यकब को सुनने आ रहा है 30 रुपए पेट्रोल और बढ़ रहा है। ठीक हो गया, अब क्या करें? तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में, हो नहीं जाना, हो चुका है। ठीक हो गया, मुश्किल बहुत ज्यादा हो चुका है, अब ये है कि सिर्फ अपनी जान देनी बाकी रहेगी, जान कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है कुछ भी नहीं है। आप बताइए आपको नजर आ रहा है कुछ? ऐसी कंडीशन में आज से 5 साल बाद की अगर आप सिचुएशन सोच सकें तो क्या सिचुएशन होने वाली है, आप अंदाजा लगा सकते हैं? जंगी होगी, खाना जंगी, सिविल वार हो जाएगी पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन नजर आ रहे हैं ना हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं, खाना जंगी आ जाएंगे, ये आप 1-2 साल देख रहे हैं, आपने खाना जंगी होनी है, मैंने आपको छेना है, कौन है उन्हें कौन है, ऐसे ही एक दूसरे से चोरों चोरी करेंगे हो रही है ना, आप देखिए आप न्यूज वाले हैं आपको बेहतर पता है लाहौर में कितनी वारदातें हो, लेकिन ओपनली नहीं हो रहा, ओपनली ओपन ही होगा ना भाई, रोज आप बता रहे हैं 300 वारदातें 24 घंटे में हुई है, ऐसे ही है कराची में 12 घंटों में 400 वारदातें हुई है। देखें इस टाइम दुनिया टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है, एजुकेशन पे वर्क कर रही है, दुनिया में दूसरे कंट्रीज ये सोच रहे हैं कैसे अपने रिलेशन बेहतर किए जाएं, जबकि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो आपके सामने। आइए मजीद यहाँ पे बहुत से लोग हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? आतिफ। आपका नाम? उमर फारूक। आपका नाम? उमर। क्या करते हैं भाई? कुछ नहीं, बस मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूरी फिटनेस है तो लग रहा है बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, बस छोड़ दिया महंगाई की वजह से काफी ज्यादा, खाने को कुछ नहीं है, बॉडी बिल्डिंग क्या करनी है। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करें, एक सादा सा सवाल है, क्या पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या लीडर हैं, क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं आप? नहीं भाई जान, अभी तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। क्या वजह है? अगर हम नहीं यकीन करेंगे तो दुनिया मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वो हमारे लीडर्स के ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे? बस ऐसा ही है, आवाम को सहूलियात कुछ भी नहीं है, बस आवाम में खौफ खरास है, बस ऐसे ही पॉलिटिशियन को बात करने के लिए, वैसे कुछ भी नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो प्लस किस पे करना हमने। अच्छा, आपसे अगला भी एक सवाल करेंगे, आप पहले बताएं कि क्या जो पाकिस्तान के, ये नहीं मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी लीडर है, कोई भी पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर है, क्या आपको उनके ऊपर यकीन है क्या वो हमारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वजह है? इनका 30-35 साल हो गए, क्या किया इन्होंने, आप क्या कर लेना? 30-35 नहीं, 76 साल हो गए हैं, क्या किया? साल हो गया, बेसिकली बिल्कुल। अभी जो हमारा नेबर है इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं ग्रीस में, वहाँ पे हाईएस्ट सिविल, सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया गया है, इवन इस्लामिक कंट्रीज यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, वो उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं,
क्या वजह है उनके, लोग क्या उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं आपके ख्याल से? बिल्कुल वो करते होंगे, क्यों नहीं करते होंगे, यहाँ पे बस एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं, आवाम की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, आपस में जो है वो झगड़ रहे हैं, तो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर ली है, आवाम कैसे ट्रस्ट करेगी इनके ऊपर। सर आप जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, कोई भी किसी का नाम नहीं ले रहा, या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? नहीं सर, किसी क्या वजह है, मतलब ये भी नहीं करते ये भी, और जिससे पूछ रहे हैं वो यही कह रहे हैं नहीं। महंगाई इन्होंने बड़ी कर दी है, उस वजह से आवाम इनसे जो है ना परेशान हो गई, तंग आ गई। अभी मैं इनसे सवाल कर रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ग्रीस में गए, वहाँ पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया गया, वो इस्लामिक कंट्री में किसी में जाते हैं, वहाँ पे इवन मिस्र गए हैं, इजिप्ट गए जब, वहाँ पे उन्हें हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, यूएई में हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, क्या वजह है? हम अपने लीडर्स की नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, या अपने लीडर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, दुनिया पूरी दुनिया उनके ऊपर ट्रस्ट कर रही है? सर इंडिया का जो पासपोर्ट है ना, उसकी वैल्यू हमारे पासपोर्ट से बहुत ज़्यादा है, उसके पासपोर्ट पे इतनी एंट्रीज फ्री हैं कि वो उनकी मीशत जो है वो बहुत खुशहाल है, ठीक है, वो टिकट लेते हैं जिधर मर्जी मतलब वो चले जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है, मतलब ये है कि उनकी मीशत ठीक है, उनके हुक्मरान ठीक है, हुक्मरान लीडर ठीक है, हमारे तो इधर पासपोर्ट ग्रीन को जिसको भी दिखाएं, जिसके आगे भी लेके जाएं, कोई वीज़ा लगाने को तैयार नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, इस वजह से जो है ना वो हमसे बहुत आगे चले गए। नहीं वो देखें, उनकी 1,40,00,000,000 आबादी है, और वो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज कर रहे हैं, हमारे से 24,00,00,000 नहीं मैनेज हो रही, हम इन्हें नहीं रोटी पूरी कर पा रहे, इन्हें नहीं बिजली के बिल जो है वो इस तरीके से कर पा रहे, वो इस वजह से कि उधर देखें उनकी यूरो की या मीशत की जो देख लें, डॉलर की उधर देख लें, डॉलर उधर तकरीबन 82 का, इधर 300 कास्ट कर गया हुआ है, ठीक हो गया, इस वजह से उधर महंगाई बहुत कम है, इधर देख लें गाड़ियों की कीमतें, घी की, चीनी की, कोई भी चीज़ देख लें, इधर सबसे सस्ती गाड़ी अगर आप बता सकें, सबसे सस्ती गाड़ी पाकिस्तान में क्या कीमत होगी, कम से कम ऑल्टो है सबसे सस्ती, वो भी तकरीबन 31,00,000 के ऊपर की कास्ट कर रही है, और वहाँ पे आइडिया है इंडिया में क्या कास्ट, वहाँ से तकरीबन 26-27 लाख की फॉर्च्यूनर मिल रही है। अगर कोई वहाँ से जो लोग देख रहे हैं जरूर बताइएगा वहाँ पे क्या कीमत है, यहाँ पे तकरीबन आल्टो की कीमत 31,00,000-32,00,000 रुपए है, क्या वजह है, हम क्यों नहीं समझ जाते, क्यों नहीं सीख जाते? देखें पब्लिक से, आपसे पूछा, इनसे पूछा, इनसे पूछा, या जिससे भी पूछ लें वो यही कहेंगे कि हाँ भाई वो अपने कौम के लिए बेहतर है, अपने कंट्री के लिए, हम क्यों नहीं बेहतर हो जाते, हम क्यों नहीं यूनिटी लेके आते, हम क्यों नहीं अपने लीडर्स को कहते कि यार पाकिस्तान का सोचो? सर इधर जो भी आवाज़ निकालता है ना, जो भी बोलने की कोशिश करता है उसकी आवाज़ ही दफन कर देते हैं। अब देख लें जितने भी हमारे अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन हैं, और जितने भी जो हैं समझ लें कि मीडिया के लोग हैं, तो जो भी कोई आवाम की हक में बात करता है उसको उठा लिया जाता है या उसको वैसे ही दफन कर देते हैं। ठीक है, और बहुत सी एग्जांपल्स, इवन इमरान रियाज खान की बात करें, अरशद शरीफ साहब की बात करें, जो उनके साथ किया गया, इवन अभी भी बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत से ऐसे मीडिया पर्सन हैं जिनको रोका जाता है काम करने से, ऐसा ज्यादा देर चल पाएगा आपके ख्याल से? मतलब एक दिन के लिए रोक सकते हैं, दो दिन के लिए रोक सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप भाई सारी जिंदगी ऐसे कंट्रोल जुल्म के बाद जो फिर आसानी भी तो हो जाती है ना, बर्दाश्त एक दिन ऐसे ही में बगावत आ जाए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, उससे पहले यही है कि इन्हें संभल जाना चाहिए आपस में, ऐसे ही है, यही बात है, बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि इससे पहले कि आवाम बगावत पे उतर आए, बिल्कुल ऐसे ही है, इनको समझ जाना चाहिए लेकिन ये नहीं समझते, इन अपनी चोरियां डाके छुपाने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, आवाम का कोई भी कुछ नहीं सोच रहा, आवाम बेचारी इतनी परेशान है कि क्या बताएं आप, 50-50, 60-60 हज़ार रुपए बिजली के बिल आते हैं, जिसकी 50-60 हज़ार रुपया सैलरी है वो ये देखें कि गुजारा कैसे करता है, किराए के मकान है, हर बंदे लोग रोटी से तंग है, खुद खुशियां करने पे, ये सामने स्टेशन है, कोई ना कोई रोज इधर नीचे आया होता है ट्रेन के नीचे, खुदकुशी यानी सुसाइड कर रहे होते हैं, सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ महंगाई की वजह, महंगाई की वजह से, और ये कंडीशन है पाकिस्तान की, क्या समझते हैं कोई बेहतरी की उम्मीद है आपको? मैं मतलब ज्यादातर लोगों से नहीं, उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर फायदा, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि यहाँ के हालात कुछ ठीक होंगे, जब तक ये कि आवाम नहीं ठीक होगी बाहर आके, ये जबरदस्त बात की है, मतलब जब तक मैं नहीं ठीक होऊंगा, जब तक ये हम लोग की आवाम, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, कोई उम्मीद है बेहतरी की नहीं, क्या वजह? असल ये वजह कि जब करप्ट टोला चिमड़ा होगा तो फिर ऐसे ही होना, यही सिचुएशन, असल ये वजह।